सो गाइस आप देख सकते हो बाकी बंदे मेरी गाड़ी के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं, बंदे यहाँ DSLR लेकर घूम रहे थे तो फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं भाई गाड़ी के साथ। तो मैं यहाँ पे रिव्यू देने आया था असल में कि न्यू एक्सटर के रिव्यू देने आया था, एक्सटर के बारे में जो गाड़ी ली है मैंने एक्सटर, इसका रिव्यू देकर आया था। एक तरीके से मिनी SUV है, समझ रहे हो गाइस। जैसे कि अभी थंबनेल के लिए अभी अपन ने फोटो शूट कराया DSLR से, ठीक है। सो गाइस इसका रिव्यू देने वाला हूँ, तुम्हारा भाई लेकर आया एक्सटर, ठीक है। बाइक तो बहुत घुमा ली, अब गाड़ी घुमाते हैं थोड़ी। तो गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ, बाइक का तो बहुत सारे रिव्यू लेकर आया मैं आपके पास। अभी बात करते हैं गाड़ी की, जो कि गाड़ी हमने ली है एक्सटर। इससे पहले जो कि हमने डिलीवरी थी, आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर YouTube पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी इसकी मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ, मैं गाड़ी में क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं। और इसमें एक डिसअपॉइंट ये लगा मेरे को कि सपोज इसमें तीन बंदे पीछे बैठ जाते हैं तो जो उसका टायर है ना तो बिल्कुल नीचे चला जाता है। उसके लिए भी एक जुगाड़ है, जो कि जुगाड़ ही नहीं है, वो कंपनी से आता है। सोच सकते हो आप इधर की तरफ, तो जैसे कि ये देख रहे हो इसका शॉकर, मतलब इसमें अगर तीन बंदे कम से कम बैठ जाते हैं मैक्सिमम तो ये डाउन हो जाते हैं पूरी। जैसे कि हमारे तीन बंदे भी बैठ, तीन तो नहीं है, अच्छा खासा हेल्दी बंदा है। गेरा भाई दिखाओ इसके तरफ कैमरा, एक ये बंदा ठीक है हेल्दी है और एक वो रहा हमारा कैमरामैन उधर कैमरा ले खड़ा है। सो गाइस तो एक बार इस बंदे को बिठा के दिखा देता हूँ, मैं दिखाऊंगा कितनी डाउन हो जाती है गाड़ी हमारी। भाई बैठो एक बार, दोनों बैठो, दोनों पीछे के तरफ बैठो सीट पे। क्वालिटी सही आ रही है अभी इस टाइम पे। सो गाइस अभी ये देख सकते हो आप, कम से कम ये इतनी डाउन चले गई है, ठीक है गाइस। एक बार पास ले आओ भाई कैमरे को, कम से कम ये इतनी डाउन चले गई है। अगर एक बंदा और बैठ जाता है काफ़ी डाउन चली जाएगी। तो इसके लिए भी एक सिस्टम होता है कि ना जो इनकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के ऊपर इनकी मोटी वो लगती है, जिससे कि मोटी मतलब खटका कहते हैं क्या कहते हैं उसको, मुझे इतना आइडिया नहीं है, वो मैं लगवाऊंगा उसकी भी मैं। हाँ सॉकर ऊपर नहीं होता, उसमें जो स्प्रिंग होती है वो लगती है, जिससे कि हमारी गाड़ी डाउन नहीं होती, स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो बात करें भाई इसमें अंदर का इंटीरियर, मैं दिखा दूँ एक बार आपको इंटीरियर। मतलब ऐसा है कि मतलब यार इसमें ना मतलब पूरा भर भर के सामान दिया है अंदर की तरफ, समझ रहे हो। उसमें सनरूफ वगैरह भी दिए, मैं दिखा देता हूँ आपको इसका। मैं अगर बैग्स गाड़ी के बारे में देखोगा जितना तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी ये अपनी फर्स्ट गाड़ी है, अपनी है, कभी किसी के मांग के चलाने वाला काम ही नहीं किया हमने ना किसी। तो गाइस ये अंदर का देख सकते हो, अंदर एक बार भाई स्पेस दिखा दो आप अंदर की तरफ एक बार, है ना। ये आप स्पेस दिखा दो, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है अंदर। और बाकी बात करें अंदर की तो देख सकते हो आप, एक बार इधर की तरफ आ जाओ, डोर बंद कर देता हूँ एक बार, ठीक है गाइस। एक बार अंदर इधर की तरफ आ जाओ, तो मैं इधर की तरफ आपको दिखा दूँ। सबसे पहले इसमें डोर लॉक है, ऑटोमेटिक का डोर लॉक है, और इसके जो शीशे जो डाउन होते हैं वो भी ऑटोमेटिक ही है। और बाकी मैं इसमें दिखा दूँ, सबसे पहले आपके सनरूफ दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो एक बार भाई वहाँ से घूम के अंदर की तरफ आ जाओ, एक बार बैठ जाओ अंदर आके। तो गाइस इसकी मैं बात करूँ, सनरूफ की बात करता हूँ, तो ये अपनी ऊपर हमारी सनरूफ आ जाती है, ठीक है। इसको ओपन कैसे करना है मैं वो दिखा देता हूँ, बस इसको यहाँ से आप प्रेस करेंगे इस तरीके से। तो ओपन, एक मिनट में गाड़ी ऑन कर देता हूँ पहले। सो गाइस अभी करना है क्या अपने को, सनरूफ देखो यहाँ से ओपन होगा, सब चीज़ा ये आपका सनरूफ खुल गया, देखो गाइस ईजी है, कुछ इसमें कुछ बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। इसको अगर आप वापस दबा दोगे तो सनरूफ आपका डाउन हो जाएगा। इसका बटन भी यहीं से दिया हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये बटन, इसका ये बटन यहाँ से है। एसी का देखा जाए तो इसके मतलब बैक साइड में भी यहाँ पर दे रखा है एसी। एक बार भाई पीछे से खोल के दिखा दो, बढ़िया। मैं आपको बात बता दूं, थोड़ी वीडियो में हड़बड़ी में इस वजह सो गाइस ये देख सकते हो पीछे भी इसका जो है एसी का सिस्टम है, यहाँ पर भी मतलब इसका मिल जाता है आपको, मतलब एसी के लिए जो पीछे बैठे वो भी कंफर्टेबल हो जाए। तो अगर हम बाहर की तरफ आ जाए इसका एक बार फ्रंट लुक दिखा दो कैसा लगता है, इसका फ्रंट लुक कुछ स्टाइल है। बाकी हम वेन्यू की बात करें, जो हमारी जो वेन्यू गाड़ी है उसका थोड़ा साइज उसे बढ़ा है, बट लेकिन जो हमारी एक्स्टर आई है अभी जो न्यू आई है 2023 में लॉन्च हुई है, इसका तो थोड़ा साइज है, होल का तो छोटा है, 19-20 का फर्क है। लेकिन फर्क ये है भाई, ये हमारी जो है एक्स्टर SX है, इसके अंदर मतलब आपको पूरे फीचर वगैरह सब चीज़ मिल जाते हैं जो कि वेन्यू में नहीं मिलते। अगर आप वेन्यू और इसके अकॉर्डिंग जाओगे ऑन रोड दिल्ली में चलाने, इसमें एक फ़ायदा और है कि आपको CNG प्लस भी मिल जाती है, पेट्रोल ऑन CNG भी मिल जाती है, बट हमने हमारी तो पेट्रोल है। आपको पीछे इसका डिग्गी का स्पेस दिखा देता है, तो गाइस इसका डिग्गी का स्पेस मैं आपको दिखा दूँ, कम से कम इसका डिग्गी का स्पेस काफ़ी बड़ा है गाइस। अगर CNG वाली ना लेकर अगर आप पेट्रोल वाली लेते हो, तो अगर आपकी 100 किलोमीटर से ऊपर रनिंग है तो आप CNG ले सकते हो। बाकी देखो मैंने इसको कवर रख रखा, बूट स्पेस भी काफ़ी खाली है गाइस, ये देख सकते हो आप, पूरा अंदर तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई होप दिख रहा होगा आपको, यार अंधेरा हो गया, नहीं दिखाना, अंधेरा काफ़ी हो गया इस वक्त इस चक्कर में, टाइम बनता नहीं है गाइस वीडियो बनाने के लिए अपने को। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो जो कि मैंने अपनी गाड़ी की आपके साथ मैंने डिटेल शेयर करी है। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो जो मेरे इंस्टाग्राम पे साइड में आईडी दिख रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते रहेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम।